हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूँ पीएचपी वीडियो सीरीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डू व्हाइल लूप के बारे में। हमने डू व्हाइल लूप यूज़ करके एग्जांपल भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप हम पीएचपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर लूप हम यूज़ क्यों करते हैं। दोस्तों, जब भी हमको पता होता है कि हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार रन करना है, जैसे कि 5 बार रन करना है, 6 बार रन करना है, तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें पता नहीं होता। जैसे जब हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल का यूज़ करते, हमें कंडीशन के बेसिस पे लूप को रन कर रहे थे। हमें उस केस में, बहुत सारे केस में पता नहीं होता कि वो लूप कितनी बार रन करने वाला है। वो फॉरएवर भी रन कर सकता है, 5 बार भी रन कर सकता है, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू हो। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप में हम डिसाइड करते हैं कि लूप को कितनी बार रन करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर लूप के बारे में उसका सिंटैक्स। व्हाइल और डू व्हाइल लूप की तरह इसमें भी हमें एक फॉर कीवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि है फॉर। उसके बाद एक पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम अपना कंडीशन लिखते हैं। अब जो ये पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन है, ये भी दूसरे लूप से वेरी करता है। व्हाइल और डू व्हाइल में हम सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर लिखते थे, जो कि लूप को गवर्न करता था। लेकिन फॉर लूप के केस में हमें 3 एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। वो 3 एक्सप्रेशन लूप को गवर्न करता है, वो कैसे रन करेगा। सबसे पहला है काउंटर वैल्यू। दोस्तों, काउंटर वैल्यू, जैसे कि हमने जब व्हाइल लूप और डू व्हाइल में यूज़ किया था वेरिएबल आई को, जो कि जब भी लूप हर बार रन होता था उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता था, तो वो काउंटर वैल्यू था। वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर लूप कितनी बार रन कर रहा है, वो करंट लूप अभी 2 बार रन कर रहा है, 3 बार रन कर रहा है, कितनी बार रन कर रहा है, उस वैल्यू को स्टोर रखता था अपने में। तो फॉर लूप में भी हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इन दिस केस हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं डॉलर। जैसे कि हम हर वेरिएबल को डॉलर साइन से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ दूसरा नाम भी दे सकते हो, जैसे कि मैं नेम भी कर सकता हूँ या एज भी कर सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैंने आई दे दिया। फिर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन वैल्यू सेट करते हैं, जो कि इस केस में मैं सेट कर रहा हूँ 0। आप कुछ भी सेट कर सकते हो, बस जो भी आप वैल्यू सेट करोगे, लूप उस वैल्यू से रन होना शुरू होगा। जैसे कि अगर इस केस में मैंने 0 पुट किया, तो लूप 0 वैल्यू से, मतलब काउंटर उसका है 0 वैल्यू से शुरू होगा। अगर आपने 5 सेट किया, तो काउंटर 5 से शुरू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, वो है हमारा कंडीशन, जो कि जब भी लूप हर बार रन करेगा, वो कंडीशन चेक होगा कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हमने व्हाइल लूप में सेट किया था कंडीशन, इधर में भी कंडीशन एक्सप्रेशन लिखते हैं हम। इस केस में मैं चेक करना चाहूँगा कि i लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, क्योंकि मैं इस एग्जांपल में 1 to 10 ब्राउज़र में आउटपुट करना चाहता हूँ। इसके जो बाद तीसरा एक्सप्रेशन है, वो हमारा इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन है। जैसे कि हमने व्हाइल लूप में भी यूज़ किया था इंक्रीमेंट, तो हमने व्हाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते थे $i++ करके, लेकिन इस केस में हम इसको इधर पे ही लिखते हैं। तो तीसरा जो है, वो है इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन, जो कि हम व्हाइल लूप के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ बचा हुआ है, वो है कर्ली सेटअप ब्रेसेस, जो कि हमें ऐड करना है, और इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो रन होगा इस लूप में। अब चलिए, हम अपने जो टारगेट हैं कि ब्राउज़र में 1 to 10 आउटपुट करना है, पहले उसे कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगा व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। ब्राउज़र में आउटपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एको। फिर हम इसको लिखते हैं ऐसे करके, स्ट्रिंग द सॉरी नंबर लिखते हैं, नंबर इज, इसको हम एक, पहले बात तो हमको हमेशा स्ट्रिंग जब भी यूज़ करें, हम सिंगल कोट्स लिखेंगे। एक अच्छा प्रैक्टिस है, क्योंकि अब बाद में ये तो प्रॉब्लम्स आ सकती है जब हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे तब। तो हमने लिख लिया, फिर कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज़ किया हमने। इसके बाद हम इसमें हम अपेंड करेंगे अपना आई वेरिएबल, इसमें हम लिखेंगे आई, इसको हम सेव करते हैं।
और आखिरी जो है वो हम एक ब्रेक स्टेटमेंट भी अपेंड कर देते हैं, ताकि हर बार जब ये माई नंबर इज़ 1 2 करके प्रिंट हो वो नया लाइन में प्रिंट हो। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, ब्राउज़र में लोकल होस्ट PHP, ये 16 वीडियो है तो 16 फोल्डर में एंटर करते हैं। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया ब्राउज़र में 0 से लेके 1, क्योंकि हमने काउंटर वैल्यू 0 सेट किया था इनिशियल वैल्यू, तो हमारा 0 पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 अप टिल 9। 10 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इधर कंडीशन जो प्रोवाइड किया था वो था लेस देन 10, मतलब 9 तक प्रिंट होगा। जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो लूप रन नहीं करेगा, इसीलिए हमारा 10 तक हुआ। अगर हम इसको 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 10 अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, इसको आई वैल्यू 1 सेट करेंगे और इधर पे इक्वल टू 10, तब आई का वैल्यू इधर पहले 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीज करते करते जब ये 10 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगा, और 10 प्रिंट होगा फिर से, जब फिर से आएगा तब ये 11 होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप एग्जिट कर जाएगा। चलिए देखते हैं इसको ब्राउज़र में। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। अब मैं आप यही चीज़ वाइल्ड लूप में मैं आप पहले लिख के बताता हूँ, फिर आपको मैं डिफरेंस बताऊँगा। वाइल्ड लूप में करने के लिए इसको पहले मैं एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, जिसका वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ इसमें। उसके बाद इधर पे वाइल्ड लूप इंक्लूड करते हैं, फिर इधर पे वेरिएबल को लिखता हूँ मैं कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 10। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इधर पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको हम आई को जे कर देते हैं। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, उसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। रिज़ल्ट तो सिमिलर आएगा क्योंकि हमने सेम ही फंक्शनलिटी ऐड किया दोनों में। दोस्तों हमने गलती कर दिया, वाइल्ड लूप में हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया ही नहीं, मतलब काउंटर वैल्यू हमने प्रोवाइड किया ही नहीं। इसमें हम कर देते हैं जे प्लस प्लस, अब ये रन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काउंटर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते जैसे कि हमने अभी नहीं किया था, तो लूप इनफाइनाइट टाइम्स रन हो रहा था, तो हमारा ब्राउज़र में आउटपुट कुछ शो नहीं हो रहा था क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा था लोड। इसको हम फिर से क्रॉस करके रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाइल्ड लूप का आउटपुट है और ये नीचे फॉर लूप का, दोनों सेम आउटपुट कर रहा है, मतलब दोनों का फंक्शनलिटी सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला मैं आपको जो डिफरेंस है वो बताना चाहूँगा फॉर और वाइल्ड लूप के बीच में, कि ये है कि जब भी हमने इसमें काउंटर वैल्यू लिखा तो काउंटर वैल्यू हमने वाइल्ड लूप के बाहर डिक्लेयर किया, जैसे कि आप देख सकते हो जे, और ये एक तरीके से ग्लोबल हो गया वाइल्ड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम इसको वाइल्ड के अंदर भी एसेस कर रहे हैं, लेकिन हमने डिफाइन किया है वाइल्ड के बाहर। लेकिन फॉर में हमने क्या किया, आई को हम फॉर लूप के अंदर ही हमने डिफाइन किया और यूज़ किया, तो ये लोकल वेरिएबल है। तो डिफरेंस है आई इस जे इस केस में ग्लोबल है विद रेस्पेक्ट टू वाइल्ड, इसको हमने बाहर डिक्लेयर किया, और इसमें हमने अंदर ही डिक्लेयर किया फॉर लूप के अंदर, और हमने यूज़ भी फॉर लूप के अंदर ही किया, तो ये लोकली डिफाइंड और डिक्लेयर हुआ। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि हम वेरिएबल्स को जितना लोकली हो सके उतना हम यूज़ करें, ग्लोबल्स हम वेरिएबल ज़्यादा क्रिएट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि वेरिएबल के नेम क्लैश हो सकते हैं दूसरे वेरिएबल से। दूसरा जो डिफरेंस है वो है जब भी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं हमारा कोड ईजिली रीडेबल है, जैसा कि आप देख सकते हो हमको पता है इजीली हम रीड कर सकते हैं कि लूप कौन सा वैल्यू से शुरू हो रहा है, कंडीशन क्या है लूप का, और इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। लेकिन वाइल्ड के केस में हमारा रीडेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, हम क्योंकि हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं इधर पे ट्रू है या फॉल्स है, फिर लूप
लूप का इनिशियल वैल्यू किससे शुरू होगा हम डिफाइन कर रहे हैं इधर पे, इंक्रीमेंट कर रहे हैं इधर पे, तो हर चीज़ मतलब एक तरीके से क्लटर्ड है। लेकिन जो फॉर लूप हम जब भी यूज़ किए हमने सारे चीज़ों को एक ही जगह में लिखा, जिससे हमारा कोड आसानी से हम रीड कर सकते हैं, आसानी से कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है, जो कि व्हाइल लूप के केस में नहीं है। क्योंकि अगर मल्टीपल लाइंस और होते इधर इधर पे तो ये आई जो है जे प्लस प्लस वो बहुत नीचे होता, फिर हमें ढूंढना पड़ता है जे प्लस प्लस कहाँ है, फिर थोड़ा सा मतलब रीडेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है फॉर के कंपेरिजन में। जो तीसरा है वो है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि जैसे कि आप देख सकते हो जब भी हमने फॉर लूप यूज़ किया हमने पहले से डिटरमाइन कर दिया लूप कितनी बार रन होगा, इस केस में 10 बार। लेकिन हमने व्हाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं किया। आपको लग रहा होगा इधर पे ये तो सिमिलर है, लेकिन ये देखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि हमने इधर पे पहला सबसे पहले जो है हमने कंडीशन के बेसिस पे इस लूप को रन कर रहे हैं कि कंडीशन ट्रू है इधर पे या फॉल्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको 10 ना लिखूं, मैं इधर पे एक बुलियन वैल्यू लूँ जो कि ट्रू या फॉल्स हो, और ये जो जे है ये कोई डाटाबेस से हमें डाटा मिल रहा है कि वो कोई वेरिएबल का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो जब भी ये लूप रन होगा हर बार डाटा अलग होगा, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, और उसी के केस पे ये लूप रन होगा जब ये कंपैरिजन होगा। लेकिन जब भी हम फॉर लूप को लिखते हैं हम पहले ही बता देते हैं कि लूप को 10 बार रन होना है। अगर 10 बार रन होने के अंदर कभी कंडीशन फॉल्स हो सकता है तब एग्जिट कर देना है, लेकिन 10 बार हम पहले से डिटरमाइन करते हैं कि रन होना ही होना है। लेकिन अगर रन होते समय कंडीशन फॉल्स हो जाए तब एग्जिट कर देना है। व्हाइल लूप में हम कंडीशन के बेसिस पे लूप को रन करते थे, लेकिन फॉर लूप हम कंडीशन भी हम मतलब ध्यान में रखते थे, लेकिन हमें पहले से हम डिटरमाइन कर देते थे कि लूप को कितनी बार रन होना है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।